गुड इवनिंग टू ऑल। जुडिशियल लॉ क्लासेज में आपका स्वागत है। कंपनी विधि की ये जो आपकी सीरीज चल रही है उसकी सेकंड वीडियो है, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि संगम ज्ञापन द्वारा जो निर्धारित क्षेत्र होता है किसी भी कंपनी का वो क्या है, ठीक है। और साथ ही अधिकारातीत का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है यानी डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, ठीक है, इसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो मेन पॉइंट्स देख लेते हैं इसके क्वेश्चन के। तो हम इसमें पहले एक पहला पॉइंट है संगम ज्ञापन क्या है, धारा 4(1) के अनुसार इसको देखेंगे, और अधिकारातीत का ये सिद्धांत क्या है उसको भी देखेंगे, सिद्धांत के अपवाद क्या हैं और अधिकारातीत जो कार्य हैं उनके दुष्परिणाम क्या हैं, तो डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट हम देख लेते हैं कि संगम ज्ञापन क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। तो कंपनी के निर्माण में संगम ज्ञापन जो होता है उसका महत्वपूर्ण स्थान है। वह संगम ज्ञापन ही होता है जो कंपनी का जो क्षेत्राधिकार है उसको निर्धारित करता है, या जैसे कोई भी एक्स कंपनी है तो उस कंपनी की क्या विशेषता है, वो क्या कार्य करेगी, जो कंपनी है उसके क्या कार्य रहेंगे, उसका क्षेत्राधिकार संगम ज्ञापन में ही पहले ही निर्धारित कर दिया जाता है, पूर्व निर्धारित कर दिया जाता है, जिससे लोगों को ये ज्ञान रहे कि ये जो एक्स कंपनी स्थापित हुई है इसके क्या उद्देश्य हैं, क्या कार्य हैं, ठीक है। तो ये संगम ज्ञापन के द्वारा निर्धारित हो जाते हैं और इन्हीं के जरिए ये पूर्व घोषणा हो जाती है एक तरह से कि क्या है। संगम ज्ञापन के बाहर कोई कार्य नहीं हो सकता है कंपनी का, ठीक है। तो संगम ज्ञापन की जो बात है वो कंपनी के अधिनियम, कंपनी अधिनियम 2013 का जो अधिनियम है उसकी धारा 4(1) में दी गई है। कैसे कि वे उद्देश्य होते हैं जिनके लिए कंपनी को निगमित किए जाने का प्रस्ताव होता है, ये वो उद्देश्य होते हैं जो कोई भी कंपनी निगमित की जाती है, और ऐसा कोई विषय होता है जिसको अग्रसित करने में उसको कंपनी का आवश्यक समझा जाता है, ठीक है। इसलिए कंपनी क्या है, एक एस्टेब्लाइज की स्थापित की जाती है, कोई भी कंपनी का गठन होता है कंपनी का। दूसरा पॉइंट है अधिकारातीत का जो सिद्धांत है वो क्या है, इसको समझ लेते हैं। तो बेसिकली अधिकार अधिकार देखो, किसी व्यक्ति को अगर कोई अधिकार है तो अधिकार की एक विशेष सीमा होती है, क्षेत्र होता है। अगर वो व्यक्ति अपनी क्षेत्र सीमा या क्षेत्र अधिकार से बाहर जो कार्य करेगा वो कार्य उदाहरण के तौर पर अधिकारातीत कार्य कहलाएंगे, ठीक है, यानी अधिकार से बाहर, ठीक है। एक तो होता है अल्ट्रा, एक होता है इंट्रा। तो ये जो शब्द है अल्ट्रा तो बाहर, इंट्रा अंदर, अगर कोई अपने अधिकारों के अंदर ही काम करता है तो इंट्रा के अंदर आएंगे, ठीक है, जैसा ये सिद्धांत ये बात करता है, ठीक है। तो क्या है ये सिद्धांत अधिकार अतीत का, कि प्रत्येक कंपनी को अपने अधिकार क्षेत्र में रहकर कार्य करना होता है, यानी जितनी भी कंपनियां हैं उनको अपने अधिकार क्षेत्र में रहकर ही कार्य करना होता है, अर्थात उसे वे ही कार्य करने होते हैं जो संगम ज्ञापन के उद्देश्य खंड में बताए गए हैं। उद्देश्यों का उल्लंघन कर कोई कार्य नहीं किया जा सकता है, यानी इस सिद्धांत के जरिए क्या है कि कंपनी जो होती है वो उन्हीं कार्यों को कर सकती है जो उनके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इन अधिकार क्षेत्र के बाहर कोई भी कार्य किया जाना उनके उद्देश्यों की पूर्ति नहीं करता, उल्लंघन माना जाता है उद्देश्यों का, ठीक है। यानी यदि कंपनी ऐसा कोई कार्य करती है जो उसके संगम ज्ञापन के उद्देश्यों से भिन्न है तो माना जाएगा कि कंपनी ने अपनी विधिक जो अधिकार है उनकी शक्ति का क्या किया है, उल्लंघन किया है, और वे कार्य अधिकारातीत माने जाएंगे। वे कार्य क्या माने जाएंगे, अधिकारातीत। ऐसे कार्यों के लिए कंपनी को उत्तरदायी नहीं ठहरा जाएगा, यानी कंपनी उत्तरदायी का मतलब यहाँ पर पे कि वो कार्य कंपनी के संदर्भ में नहीं दिखे जाएंगे, क्योंकि वो कार्य क्या है, अधिकारातीत कार्य माने जाएंगे, ठीक है, अधिकारों के बाहर ही कार्य माने जाएंगे, कंपनी के अंदर या एक तरह से कंपनी के लिए वो कार्य उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं वो कार्य, ठीक है। यही जो यही जो इन बातों से मिलकर के अधिकारातीत का सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया, यही सिद्धांत क्या है, अधिकारातीत का सिद्धांत है। तो कंपनी से आशा की जाती है कि अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करे, उनका उल्लंघन ना करे शक्तियों का अपनी का। हाँ, कंपनी के उद्देश्यों के संदर्भ में अधिकारातीत कार्य दो प्रकार के हो सकते हैं, यानी कंपनी के उद्देश्य जो होते हैं उनके संदर्भ में जो उनके अधिकारातीत कार्य जो होते हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो संगम अनुच्छेद से परे कार्य और एक संगम ज्ञापन से परे कार्य। यानी कंपनी की स्थापना से पहले ये विधिक घोषणाएं होती हैं, संगम अनुच्छेद और संगम ज्ञापन जो कंपनी करती है, तो इन दोनों से परे कार्य हो सकते हैं। यानी क्या है कि संगम अनुच्छेद से परे जो कार्य होते हैं उनको तो साधारण बैठक द्वारा उनको वैधता प्रदान की जा सकती है, यानी नॉर्मली कंपनी के साधारण बैठक करके, बोर्ड मीटिंग करके उन जो संगम ज्ञापन के परे जो कार्य कर दिए गए हैं उनकी वैधता उन्हें प्राप्त की जा सकती है, कि अगर ऐसा कोई कार्य हो गया है तो उन्हें लगता है कि कार्य कंपनी के हित में है या महत्वपूर्ण कार्य है तो बैठक द्वारा उसको वैधता प्राप्त की जा सकती है। लेकिन संगम ज्ञापन के परे जो कार्य हो जाते हैं उनको वैधता प्राप्त नहीं की जा सकती, ठीक है। यानी जो पहले जो कार्य हैं संगम अनुच्छेद से जो परे कार्य हैं वो पहले निदेशक के प्रति उत्तर अधिकाराधीन कार्य कहलाते हैं, किसके प्रति,
निदेशक के प्रति। तो निदेशक क्या है, नॉर्मल सी बोर्ड मीटिंग लेकर भी, सदस्यों की मीटिंग लेकर उनको वैधता प्रदान कर सकता है, लेकिन संगम ज्ञापन से परे जो कार्य हैं, दूसरे जो कार्य हैं, वो कंपनी के प्रति अधिकारातीत कहलाते हैं वो कार्य, ठीक है, उनको वैधता प्राप्त नहीं की जा सकती। अब इस मामले में एक केस भी है, जहांगीर आर मोदी वर्सेस श्याम जी का केस है। इसमें क्या होता है, निदेशक द्वारा अन्य कंपनी के अंश खरीदना, तो जो निदेशक के जो कर्तव्य है यहाँ पर, जो कर्तव्य है उन कर्तव्यों के बाहर ये कार्य कहलाए गए, क्योंकि जो निदेशक की नियुक्ति की गई थी वो इस प्रकार के कार्यों के लिए करने के लिए नहीं की गई थी। इसलिए तो अगर वो किसी अन्य कंपनी के अंश खरीदता है तो यहाँ पर वो संगम अपने संगम यहाँ पर ये अधिकारातीत कार्य करता है, शक्तियों का उल्लंघन करता है, ठीक है। तो इस कार्य को भी अधिकारातीत कार्य माना गया, क्योंकि निदेशक की नियुक्ति कंपनी के संचालन हेतु की गई, ना कि कंपनी में रहते हुए किसी अन्य कंपनी के अंश खरीदने की। तो ऐसे कार्य अधिकारातीत कार्य माने गए। ये आपका केस जहांगीर आर मोदी वर्सेस श्याम जी का मामला है। अतः कंपनी केवल ऐसे कार्य कर सकती है जो संगम ज्ञापन में उल्लिखित हैं, यानी केवल वही कार्य कर सकती है जो संगम ज्ञापन में उल्लिखित हैं। उद्देश्य उनके प्रासंगिक होने चाहिए, उन कार्यों के अनुवांशिक होने चाहिए, ठीक है, और युक्तियुक्त होने चाहिए, रीजनेबल वो कार्य होने चाहिए। ऐसे कार्य हो सकते हैं और अधिनियम द्वारा अधिकृत हो, कंपनी अधिनियम है उसके द्वारा ये कार्य कैसे होने चाहिए, अधिकृत होने चाहिए, अवैध नहीं होने चाहिए। अब इस सिद्धांत के अपवाद देख लेते हैं कि इस सिद्धांत कब ये कार्य, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो लागू हो जाते हैं लेकिन अधिकारातीत कार्य होते हैं, अधिकारातीत कार्य होने के बाद वो कार्य लागू हो जाते हैं, यानी अपवाद स्वरूप कौन कौन से कार्य हैं वो देख सकते हैं। तो पहला है, अधिकार शक्ति से बाहर कोई कार्य कर दिया गया लेकिन संगम ज्ञापन से बाहर ना हो, वो कार्य जो है अधिकार शक्ति जो होती है उससे थोड़ा बाहर कर दिया हो लेकिन संगम ज्ञापन से बाहर ना हो, और अंशधारियों द्वारा, जो अंशधारी हैं कंपनी के, जो भी शेयर होल्डर्स हैं, जिनकी शेयरिंग है, शेयर होल्डर्स हैं, परसेंटेज जिनकी रहती है, उनके द्वारा अनुसमर्थन दे दिया जाए, ठीक है, यानी उनके उपलक्ष्य उनसे बातचीत करके इस चीज का अनुसमर्थन दे दिया जाए, तो वो कार्य वैध हो सकता है, ठीक है, वो कार्य वैध हो सकता है। तो ये एक अपवाद है सिद्धांत का। और क्या है कि शक्ति सीमा के अंतर्गत कोई कार्य किया है, कार्य शक्ति सीमा के अंतर्गत किया है लेकिन अनियमितता है उस कार्य में, क्या चीज है, अनियमितता देखी गई है उस कार्य में, तो ऐसे कार्य अभी जो भी अंशधारी होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, उनके द्वारा अनुसमर्थन कर दिया जाता है, तब वो कार्य वैध हो जाते हैं। या अधिकृत कार्यों के अंतर्गत, अधिकृत जो कार्य होते हैं वो असंगत परिणाम होने पर, कार्य तो अधिकृत हैं जो कंपनी के अंतर्गत दर्शाए गए हैं लेकिन असंगत उनके परिणाम अगर हो रहे हैं, परिणाम ऐसे हैं जो असंगत हैं, जिनकी अपेक्षा ही नहीं की थी, तो कंपनी द्वारा उन्हें प्रतिबंधित किए जा सकते हैं। तो ये भी एक अपवाद है, क्योंकि कार्य अधिकारातीत नहीं हुआ, कार्य अधिकार क्षेत्र के अंदर किया गया है, ठीक है, तो ये एक अपवाद है कि उनको प्रतिबंधित किया जा सकता है क्योंकि असंगत परिणाम उनके होने की आशंका है। और क्या है, अगला चौथा पॉइंट है, ऐसे अधिकार जो विवक्षित हैं, यानी कुछ ऐसे कार्य जो कंपनी के द्वारा प्रत्यक्ष एक तरह से सीधे तौर पर नहीं कहा गया कि उन कार्यों को किया जा सकता है, लेकिन उनका जो भाव जो कंपनी का ऐसा विवक्षित है, इम्प्लाइड है, ठीक है, इम्प्लाइड विवक्षित रूप से कंपनी के एक तरह से भाव भाव प्रकट कर दिया है कि कार्य हो सकता है, तो अगर ऐसे कार्य हो जाते हैं और वो कार्य क्योंकि वर्णित नहीं है अधिकार क्षेत्र में, कंपनी के वर्णित नहीं है फिर भी हो जाते हैं, तो वो कार्य वैध कहलाते हैं। तो ये भी एक अपवाद है अधिकारातीत सिद्धांत के अंतर्गत। अनुच्छेद से परे कार्य करने के लिए अगर संगम अनुच्छेद में परिवर्तन कर दिया जाता है, अगर कोई कार्य अनुच्छेद से परे हो गया, संगम अनुच्छेद से परे, और संगम अनुच्छेद में अगर परिवर्तन कर दिया जाए तब भी उनको वैधता प्राप्त हो जाती है उन कार्यों को। तो ये आपका पांचवा अपवाद है इस सिद्धांत का। अब इस सिद्धांत के दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं, चौथा जो पॉइंट है अपना, कि अधिकारातीत का जो सिद्धांत है, इस अधिकारातीत का सिद्धांत के अंतर्गत जो अधिकारातीत कार्य हो जाते हैं उन कार्यों के दुष्परिणाम क्या हैं, दुष्परिणाम देख लेते हैं इसके। तो पहली बात तो ये है कि कंपनी के संदर्भ में ऐसे कार्यों को रोकने के लिए व्यादेश लाया जा सकता है न्यायालय द्वारा, ठीक है, जो कंपनी के संबंध में व्यादेश लाया जा सकता है। तो पहला दुष्परिणाम यह है कि कोई भी कार्य जो होता है उसके लिए व्यादेश लाया जा सकता है। दूसरा क्या है कि निदेशकों का दायित्व तो होता है कि अगर कोई भी कार्य ऐसा अधिकारातीत किया जाता है, सबसे पहले तो निदेशक का ये दायित्व तो होता है कि संगम अनुच्छेद और संगम दायित्व के तहत कार्य किए जाए, उनका संचालन किया जाए, उनका उन कार्यों की देखरेख की जाए टाइम पर, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा किया जाता है, निदेशक द्वारा कोई भी दुर्व्यवहार देखा जाता है, ठीक है, असंगति देखी जाती है, तो ये भी हो सकता है कि जो निदेशक होता है वो व्यक्तिगत तौर पर भी लाभ प्राप्त करना चाहे, ऐसे संदर्भ देखे जाते हैं, तब यहाँ पर निदेशक द्वारा क्षतिपूर्ति ली जा सकती है, क्षतिपूर्ति निदेशक द्वारा की जा सकती है यहाँ पर, ठीक है। तो निदेशक के बाद लाया जा सकता है, उसे क्षतिपूर्ति देने के लिए बाधित किया जा सकता है, ठीक है। तो ये दुष्परिणाम है।
और तीसरा दुष्परिणाम है अधिकारातीत कार्य जो हो जाते हैं उनका, कि अधिकारातीत संविधाएं जो होती हैं शून्य हो जाएंगी। दुष्परिणाम ये है कि जितनी भी अधिकारातीत अधिकार क्षेत्र से बाहर जितनी भी संविधाएं कर दी जाएंगी वो सब क्या कहलाएंगी, शून्य हो जाएंगी। ठीक है, स्वतः ही शून्य मान ली जाएंगी, उन्हें वैधता प्राप्त नहीं होगी, ये दुष्परिणाम है। चौथा दुष्परिणाम है अधिकारातीत कार्य क्या, कि अपकार विधि यानी अपकृत्य विधि, अपकार विधि यानी अपकृत्य विधि, ऐसे कार्य जो वैधानिक ना हो, अपकृत्य हो, ठीक है, विधि विरुद्ध हो, अंतर्गत के दायित्व कंपनी के ये रहते हैं कि कोई भी ऐसे कार्य अपकार विधि के अंतर्गत ना पाए, लेकिन अगर ऐसे अपकार विधि के अंतर्गत आते हैं तो अपकार विधि के अंतर्गत जो भी प्रावधान है उन पर लागू किए जाएंगे। तो ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आपकी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें। थैंक यू।